ऐसा कोई मेथड कि जिसकी बेस पे हम 1 लाख से ज्यादा ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकें, कोई ऐसा मेथड हो जिसकी बेस पे हम 50 प्लस PADA वाली और 50 प्लस DR वाली वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकें, कोई ऐसा मेथड हो कि हम अपने कंपेटिटर्स की गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज के हमारे गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की 13 वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस करना है Ahrefs टूल को कैसे हम स्मार्टली प्ले करेंगे, स्मार्टली यूज करेंगे और अपनी मर्जी से गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फाइंड आउट करेंगे, अपनी मर्जी से DAPA, अपनी मर्जी से DR और अपनी मर्जी से लाखों में ट्रैफिक। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम गूगल के थ्रू रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, इसका DR कितना है, इसका PADA क्या है, तो हम जस्ट सिंपली उसकी लिस्ट बना लेते हैं और उसको यूज़ करने लग जाते हैं और मैनुअली वन बाय वन चेक करते हैं कि इसके अंदर ट्रैफिक कितनी है, इसका DR क्या है, इसका PADA क्या है। लेकिन आज आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा कि आप अपनी मर्जी से गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फाइंड आउट करोगे, अपनी मर्जी से उसमें DR लगाओगे और अपनी मर्जी से हाई ट्रैफिक साइट्स फाइंड आउट कर सकोगे। वो बेसिकली फुटप्रिंट्स हैं और फिल्टर्स हैं जो Ahrefs के अंदर हैं, हम उनको यूज़ करेंगे और अपनी मर्जी से गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फाइंड आउट करेंगे। सेकंड मेथड बेसिकली कंपेटिटर एनालिसिस का मेथड होता है। इस मेथड में बेसिकली हमें कंपेटिटर्स के बैकलिंक्स को चेक करना होता है और वहां से गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फाइंड आउट करनी होती हैं। दोस्तों समटाइम होता क्या है कि हमारा अपना प्रोजेक्ट होता है, हमारे किसी क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा अपना गूगल एडसेंस का या अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोजेक्ट होता है, वेबसाइट होती है, ब्लॉग होता है, हमें उसके लिए बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। तो हम टॉप 5 कंपेटिटर्स को देखते हैं और उनकी साइट्स को चेक करते हैं, उनके बैकलिंक्स को चेक करते हैं और उन्हीं के बैकलिंक्स में से गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को फाइंड आउट करते हैं, उनकी लिस्ट बना के वहां से हम बैकलिंक्स लेते हैं जहां जहां से हमारे कंपेटिटर ने बैकलिंक लिए हुए हैं। तो ये बेसिकली कंपेटिटर एनालिसिस का मेथड है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, दोनों मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो आज हमने बेसिकली डिटेल में चेक करना है कि Ahrefs के थ्रू कैसे हम स्मार्टली प्ले करें और हमें वो वेबसाइट्स मिल जाएं कि जिनका DR 50 प्लस हो और जिनके अंदर जो ट्रैफिक है बेसिकली वो भी 50 प्लस से हो। कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी बेस पे हम हाई पेइंग वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं Ahrefs के थ्रू, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं Ahrefs के ऊपर। यहाँ सबसे पहले हमने सिंपली अपना जो फुटप्रिंट है वही यूज़ करना है, राइट फॉर अस का, ये सिंपल। यहाँ हमारे सामने वेबसाइट्स आ गई हैं जो ऑलमोस्ट सारे हाई DR की वेबसाइट्स हैं, आपने देखा होगा 82 है, 96 है, DR 48 है, तो ये बेसिकली वो वेबसाइट्स आ गई हैं जो हाई DR की वेबसाइट्स हैं। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर ट्रैफिक कितनी है। लेकिन एक बात थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ, इस पूरे चार्ट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ जो वेबसाइट आ रही है ये europe.eu है बेसिकली, ठीक है, इसका DR, इस वेबसाइट का DR बेसिकली 96 है। लेकिन इसके जो ये रेफरिंग डोमेन बता रहा है ये इस वेबसाइट के नहीं है, ये रेफरिंग डोमेन इस पेज के हैं, ठीक है। ये जो सामने पेज आ रहा है राइट फॉर अस का, इस पेज के रेफरिंग डोमेन 392 है। लेकिन इस वेबसाइट के जो टोटल रेफरिंग डोमेन होंगे वो थाउजेंड्स में होंगे, फिर इसका मतलब बैकलिंक्स होंगे वो तो डबल होंगे, जाहिर सी बात है। इसी तरह ये ट्रैफिक बता रहा है, ये पेज ट्रैफिक है, इस पेज की ये ट्रैफिक है, ये वेबसाइट की ट्रैफिक नहीं है। इसी तरह पेज ट्रैफिक वैल्यू ये इस पेज की है, इस वेबसाइट की नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ये पेजेस का बता रहा है, इस वेबसाइट का नहीं बता रहा। तो बेसिकली हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी, हमारे सामने हाई DR की वेबसाइट्स आ गई आपके सामने, ये सारी वेबसाइट्स आप इनको लिस्ट बनाएं और इनको ईमेल्स करें और आपके पास सामने हाई DR की आ रही हैं। लेकिन अभी एक और इसमें है कि हमें वो वेबसाइट चाहिए जो हाई DR की हों लेकिन हमारी निच से रेलिवेंट हों। तो हमने सिंपली एक और फुटप्रिंट यूज़ करना है, इन टाइटल यूज़ करके फुटप्रिंट को, और आगे हमने अगेन कॉमा के साथ लिख देना, फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, हेल्थ करके हमने इंटर कर दिया। अब हमारे पास वो वेबसाइट्स आनी चाहिए जिसके अंदर हम हेल्थ की पोस्ट भी कर सकते हैं और जो बेसिकली हाई DR की वेबसाइट्स हों। तो अब हमारे पास वो वेबसाइट्स आ गई हैं जो हाई DR भी हैं और हेल्थ की भी हैं। अब हेल्थ की कैसे हमें कंफर्म होगा, हमने यहाँ फुटप्रिंट यूज़ कर दिया, इसमें ये सारी हेल्थ की ऑफर कर रही हैं, ठीक है। अब देखें आप हमारे पास जो पेजेस हो गए हैं कितने कम हो गए हैं, क्योंकि ये हाई DR वाली और हेल्थ की जो वेबसाइट्स हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। आप गूगल से भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन ये मेथड भी थोड़ा सा स्मार्टली मेथड है, थोड़ा इससे ये है कि आपको जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब इसमें ये हेल्थ का बोल्ड हो गया, इट्स मीन ये वेबसाइट हेल्थ की भी ऑफर कर रही है। इस वेबसाइट को अगर हम ओपन करें तो हम इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाकई हेल्थ की ऑफर कर रही है या नहीं कर रही। तो इसमें इन्होंने कहा हुआ है SEO के राइट कर सकते हो, बिजनेस है, टेक ब्लॉग है और बहुत सारी हैं। इसे मैं रिसर्च करता हूँ हेल्थ का इसने बताया हुआ या नहीं। यहाँ इसने हेल्थ का राइट फॉर अस का फुटप्रिंट यूज़ किया हुआ है, इट्स मीन ये हेल्थ की ऑफर कर रहा है, ठीक है।
इस तरह आप हेल्थ की वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हो। एंड पे इसने अपना ईमेल दिया हुआ है, आप इसे ईमेल करके इसे डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम हाई डीआर वाली वेबसाइट्स कंटेंट एक्सप्लोर में जाके इस फुटप्रिंट को यूज़ करके अपनी नीच से रेलेवेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स की आप लिस्ट बनाओ, इनको ईमेल करो और आपको ये है कि डिटेल में ये बता देंगे क्या इसका वैल्यू है, क्या इसके चार्जेस हैं, सारी डिटेल्स ये आपको बता देंगे। अब इसके अलावा एक और मेथड कि हमने वो वेबसाइट्स फाइंड आउट करनी है कि जिनकी ट्रैफिक भी अच्छी हो, ठीक है। तो उसमें सिंपली ये एड फिल्टर में जाएंगे और वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000, अप्लाई कर देंगे, शो रिज़ल्ट हो गया। अभी हमारे पास जो वेबसाइट्स आएंगी बेसिकली वो आएंगी जिनकी अथॉरिटी भी अच्छी है और जिनके अंदर जो ट्रैफिक है बेसिकली वो भी हाई क्वालिटी ट्रैफिक होगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं, ये पेज की ट्रैफिक बता रहा है। एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, मैं इसको इन टाइटल को रिमूव करके अगेन ट्राई करता हूँ क्योंकि इसमें वेबसाइट्स हमें कम मिल रही हैं। अब राइट फॉर अस के बेस पे हमें वो ट्रैफिक चाहिए, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स की साइट्स चाहिए जिनकी ट्रैफिक अच्छी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी राइट फॉर अस की ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कर रहा है, इसके अलावा ये भी कर रहा है। अब इसको मैं ओपन करूँ, अब इसका DR 71 है, अच्छा है, ठीक है। और इसकी पेज ट्रैफिक जो है 106 है, 106 है, लेकिन मैंने जो फुटप्रिंट यूज़ किया है वो 50,000 का यूज़ किया, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर जो ट्रैफिक होगी वो 50,000 प्लस होगी। अब हम इस वेबसाइट को ओपन किया, अब हम इस वेबसाइट के मेन पेज को ओपन करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं क्या इसकी वाकई ट्रैफिक 50,000 प्लस है कि नहीं है, क्योंकि हमने जो फुटप्रिंट यहाँ पे यूज़ किया था वो 50,000 प्लस किया था और DR ऑटोमेटिकली हाई DR की साइट्स हमारे सामने हैं और हमने 50,000 भी कर दिया। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी हो गई है। अब हमारे पास जो वेबसाइट्स आनी चाहिए वो वाली वेबसाइट्स आनी चाहिए जो हाई DR की होनी चाहिए और जिनके अंदर ट्रैफिक भी 50,000 प्लस होनी चाहिए। अब मैंने इस फुटप्रिंट की स्पेस पे सारी साइट्स निकाली, एक साइट है ये मैंने ओपन की और मैंने कंफर्म किया कि आप वाकई इसकी ट्रैफिक 50,000 है कि नहीं है। तो आप ये देख लें इसकी ट्रैफिक 80,000 प्लस ट्रैफिक है। इसके कीवर्ड्स देख लें, रेफरिंग डोमेन देख लें और इसका DR देख लें, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। आपने सिंपली करना क्या है कि इस वेबसाइट के मेन पेज पे जाना है और ये राइट फॉर अस का इन्होंने डिटेल दी हुई है। आपने इस तरह की वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है, उनकी ईमेल लिस्ट बनानी है, उनको ईमेल करना है, लेकिन ये बड़ी हेवी वेबसाइट्स हैं, हाई क्वालिटी वेबसाइट्स हैं, तो आपका जो ईमेल होना चाहिए वो भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। प्लस जब वो आपको बजट बताएंगे तो आपका बजट भी उस हिसाब से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये हाई क्वालिटी साइट्स हैं, ये बजट भी अच्छा बताएंगे आपको। तो इस तरह आप डिफरेंट हाई DR वाली और हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो चले हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड बेसिकली कि कैसे हम अपने कंपेटिटर्स के थ्रू बैकलिंक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से हम गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हमने वही सिनेरियो करना है, हम यहाँ से फिर अगेन कोई वेबसाइट उठा लेते हैं, लाइक इस वेबसाइट को हम चेक कर लेते हैं अगेन। इस वेबसाइट के टोटल बैकलिंक्स हमने चेक करने हैं अगेन, तो हमें यहाँ पे जाना है अगेन। AHRF को हमने साइट एक्सप्लोर में अपनी वेबसाइट ऐड करनी है और यहाँ से हमने डिटेल में रिसर्च करना है कि कैसे हम गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने इन कंटेंट करके ट्राई करते हैं कि हमें वो वेबसाइट्स चाहिए जो बेसिकली कंटेंट बेस्ड पे हों, जिनसे बैकलिंक बेसिकली हमें कंटेंट से मिला हो। तो इस तरह बीच में फॉरम्स इसके आ रहे हैं, डिफरेंट मिक्स वेबसाइट आ रही हैं, तो हमें इसको इन कंटेंट को क्लोज करके ट्राई करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आएँ कि जो कि नॉर्मल और नेचुरल वेबसाइट हों, कि जो कि फील हों कि ये एक काइंड ऑफ गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसने मोस्टली फॉरम से बैकलिंक लिए हुए हैं, फॉरम्स टोटली फॉरम्स। एक प्लस पॉइंट हम कर लेते हैं कि हमें डुप्लीकेट वेबसाइट्स को हम क्लोज कर देते हैं ताकि हमारे पास एक ही दफ़ा साइट्स आएँ, अगेन एंड अगेन वो ना आए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है, इसने यहाँ से कहीं से बैकलिंक लिया हुआ है और ये गेस्ट पोस्टिंग लॉगिन रजिस्टर हो सकता है, शायद ये फ्री भी हो सकती है या फिर पेड है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। बेसिकली आपको मैं मेथड शेयर कर रहा हूँ, जब भी आपका कॉम्पेटिटर डिफरेंट साइड से बैकलिंक्स बनाएगा तो आपने कॉम्पेटिटर को AHRF में डालना है और उनके बैकलिंक्स चेक करने हैं और जहाँ जहाँ से उसने बैकलिंक बनाए हुए हैं आप भी वहाँ से बना सकते हो, ठीक है।
और चेक कर सकते हो कौन सी ऐसी साइट्स हैं कि सम टाइम होता है उसने फॉर्म से बनाया होता है, सम टाइम होता है उसने डायरेक्टरीज होती हैं वहाँ से बैकलिंक बनाए होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है उसने किसी गेस्ट पोस्टिंग साइट से बैकलिंक बनाया होता है। तो अभी तो इसकी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स बहुत कम, इन्होंने ज़्यादा जो बैकलिंक्स बनाए हुए हैं फॉरम से बनाए हुए हैं और डायरेक्टरीज से बनाए हुए हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हो और उनकी डिटेल्स चेक कर सकते हो कि ये बेसिकली फॉरम वेबसाइट है या गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है, ये कौन सी है। तो उसकी बेस पे आप उनको ईमेल करोगे और उनसे गेस्ट पोस्टिंग परचेज कर लोगे। अब इस बंदे ने मोस्टली जो है फॉरम से बनाए हुए हैं या डायरेक्टरी से बनाए हुए हैं, लेकिन आपने आपको थोड़ा मैं मेथड बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका कि आपने करना क्या है। सिंपली अपना कॉम्पिटिटर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद उसके बैकलिंक्स में जाएंगे और उसके डू फॉलो बैकलिंक्स चेक करेंगे। आप ऑल भी चेक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ऑल भी चेक करोगे उसमें नो फॉलो डू फॉलो सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे जितनी वेबसाइट्स होंगी उन वेबसाइट्स की आपने लिस्ट बनानी है, वन बाय वन आपने ओपन करना है और चेक करना है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं। समटाइम होगा यहाँ पे फॉरम्स से बैकलिंक्स उसने बनाया होगा, समटाइम होगा उसने डायरेक्टरी से बनाया होगा, समटाइम आपको गेस्ट पोस्टिंग साइट्स मिल जाएंगी। तो वो गेस्ट पोस्टिंग साइट्स जो होंगी बेसिकली आपने उनकी लिस्ट बनानी है और वहाँ से आपने बैकलिंक्स उनको ईमेल करके वहाँ से भी आपने बैकलिंक जनरेट करनी है। तो ये बेसिकली एक मेथड है गेस्ट पोस्टिंग कंपेटिटर्स की गेस्ट पोस्टिंग फाइंड आउट करने का और वहाँ से भी बैकलिंक जनरेट करने का। तो ये दो मेथड से बेसिकली आप एचरेफ पेड टूल ले लें, ठीक है, और उसके साथ डेली प्ले किया करें कि किस तरह हम एचरेफ के थ्रू बैकलिंक्स ले सकते हैं, क्या मेथड है, क्या बेसिकली टेक्निक्स हैं कि जिनकी बेस पे हम डिफरेंट वे से बैकलिंक्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक माई एनिमी लिस्ट डॉट नेट, यहाँ से भी इस बंदे ने कहीं से बैकलिंक लिया होगा ऑब्सो या फिर कमेंट से लिया होगा, लेकिन यहाँ से भी आपको बैकलिंक मिल सकता है। आप इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट में जाके आप इनको ईमेल करो और बैकलिंक की ऑफ़र करो इनको। तो इसी तरह ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अभी मोस्टली इस बंदे ने तो फॉरम से ही बैकलिंक लिया हुआ है, इसकी कोई गेस्ट पोस्टिंग साइट मुझे अच्छी सी मिली नहीं है, लेकिन आप अपने कंपेटिटर देखो, आपके जो कंपेटिटर हैं उनको फाइंड आउट करो और वहाँ से बैकलिंक लेना स्टार्ट कर दो। तो ये एक सिंपल मेथड है आज के लिए, ये दो मेथड से बेसिकली आपके साथ दोनों मैंने शेयर किया, होप्स आपने इन्जॉय किया होगा। इसके अलावा कोई भी इशू, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको इशू आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको थोड़ा डिटेल में रिव्यू करूँगा और उसके बारे में भी डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगा। होप्स आपने इन्जॉय किया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।